राधे राधे, राधा की कैसे हुई थी मृत्यु, क्यों तोड़ दी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा कृष्ण का प्रेम है। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में हुई थी। श्री कृष्ण के देवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाया हुआ। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शास्त्रों में कहते हैं दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की यह दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी हुई थीं, और वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खिंची गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले न हुआ हो, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती है। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी प्रचलित कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गई। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उनके पास राधा से मिले। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की, और श्री कृष्ण जिस तरह राधा प्रेम करती थी उसी तरह रुक्मणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाए। उसके बाद रुक्मणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया था। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे तब कृष्ण ने राधा से कहा था वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद द्वारिका कृष्ण चले गए और प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें द्वारिकाधीश के रूप में जाना गया। वृंदावन में जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की ज़िंदगी ने ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई, और अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई। लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूर्ण किए थे, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य श्री कृष्ण ने निभाए थे। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारिका जाकर उन्हें पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफ़ी देर तक बात की। कान्हा की नगरी द्वारिका में राजा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में अनुरोध कर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती, और जब राधा को मौका मिलता तो वह कृष्ण के दर्शन करती। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसी वजह से वह महल से दूर जाने का फैसला कर लिया था। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएँ। वह कहाँ जा रही हैं उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली और कमज़ोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई।
भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लग गए। दिन रात जब तक बांसुरी बजाई श्री कृष्ण ने, तब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी के धुन सुनते सुनते ही त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त वह नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक के अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहें। राधे राधे। कैसी लगी आपको आज की हमारी स्टोरी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।